बैंक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कॉमन एरर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट कॉमन एरर के क्वेश्चंस देखेंगे स्पॉटी एरर्स के अंतर्गत, जो कि वर्ब से रिलेटेड होंगे। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, आप उसमें से एरर फाइंड कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स हम उस पर्टिकुलर एरर को डिस्कस भी करेंगे ब्रीफली। हम लोग यहाँ पर आज 10 कॉमन एरर्स के बाद क्विज़ फॉर द डे को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम 5 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज के क्विज फदरी के माध्यम से। स्टार्ट करते हुए, एंड बिफोर वी जस्ट स्टार्ट, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आज के क्विज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं वोकैबुलरी बेस्ड, जिन्हें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट स्पॉट द एरर क्वेश्चन। ईच वन ऑफ दीज एप्पल्स आर रेड। अब यहाँ पर आपको कॉमन एरर ढूंढना है। हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास ईच वन है। ईच वन ये सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। और तभी हमें याद रखना है कि इट इज़ नॉट रेफरिंग टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द सेट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया है, इसलिए आर गलत हो जाएगा, इज विल बी करेक्ट। ईच वन ऑफ दीज एप्पल्स इज रेड, आर रेड नहीं, इज रेड, दैट विल बी द करेक्ट यूसेज। मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रैक्टिस सेट। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग इज बार्किंग। अब यहाँ ध्यान से याद रखिएगा एरर क्या है, क्योंकि लिखा है अ ब्लैक और अ वाइट डॉग, दैट मीन्स ये दो सेपरेट डॉग हैं। इसीलिए, क्योंकि हमारे प्लूरल, हमारे सब्जेक्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, प्लूरल है, तभी हम यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, एक ब्लैक कलर का डॉग है, दूसरा वाइट कलर का डॉग है, वो बार्क कर रहे हैं, सो दे आर बार्किंग। ये दो एंटिटीज आ गई हैं। अगर यहाँ पर होता अ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज बार्किंग, सो अगर होता अ ब्लैक एंड वाइट, तो हमारा अर्थ था कि एक ही डॉग के अंदर दोनों कलर्स हैं ये, सो अ ब्लैक एंड वाइट डॉग इज बार्किंग फिर सही होता। लेकिन क्योंकि इन्होंने लिखा है अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, दैट मीन्स ये दो अलग अलग डॉग्स हैं, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज, ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं, इसीलिए हमें प्लूरल का प्रयोग करना है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। माई ब्रदर एंड माई सिस्टर इज़ एट द पार्टी। अब यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि हम लोग, हमारा जो सब्जेक्ट है, वहाँ पर दो दो एंटिटीज़ आ रही हैं, माई ब्रदर, एक तो मेरा भाई, एंड माई सिस्टर, दूसरी मेरी बहन, आर एट द पार्टी। वर्ब इज़ प्लूरल बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। हमारा प्लूरल वर्ब क्यों प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब इसलिए होगा क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में प्लूरल है, तो इसीलिए माई ब्रदर एंड माई सिस्टर आर एट द पार्टी बिकम्स द करेक्ट यूसेज। She and I was drinking Coke. अब verb जो है मेरा वो plural verb होगा, क्योंकि मेरे subject में again दो हैं, so I have she and I, मतलब हम दोनों, वो और मैं Coke पी रहे थे, तो यहाँ पर were आएगा, were drinking Coke. She and I were drinking Coke. That becomes the correct usage here. You need to remember that. Moving on to the next one. Slow and steady win the race. अब यहाँ आपको याद रखना है कि the understood subject is actually singular. जो understood subject है वो singular है, इसीलिए verb को भी singular होना पड़ेगा. So slow and steady wins the race. Wins the race. Slow and steady win the race नहीं होगा, slow and steady wins the race, क्योंकि यहाँ पर हम verb जो है वो singular में use करेंगे. Tomorrow never come. Tomorrow जो subject है is singular, और इसीलिए यहाँ पर singular verb का प्रयोग होगा, और singular verb कैसे हो जाएगा? Comes के साथ. So tomorrow never comes will be the correct usage. So यहाँ पर दोनों ही examples में हमने देखा किस तरह से हमें singular verb का प्रयोग करना है. Neither red nor black suit me. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कपड़ा, जो क्लॉथ है, वो सिंगुलर है, इसीलिए हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे. Neither black nor neither red nor black suits me. So ना तो मुझ पर रेड जचता है, ना ब्लैक जचता है, suits me. That will be the correct usage.
आइदर प्रीति और पूजा हैव ईटन दी आइसक्रीम। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, आइदर प्रीति और पूजा हैज़ ईटन। हैव क्यों नहीं होगा, सिंगुलर में आएगा, क्योंकि हमारे जो एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेटर आइदर और, जो एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेटर हैं, इज़ यूज्ड द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है इनका, उस पर हम लोग करेंगे। सो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आइदर और के साथ पूजा बिकम्स द नियरेस्ट सब्जेक्ट। और वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर है, इसीलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, जब हमारे एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेटर जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नीदर नॉर, आइदर और, जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, अगर ये होता है तो द वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उससे वर्ब अग्री करेगा, और इस पर्टिकुलर केस में उससे अग्री करने पे हमारा सिंगुलर आएगा। सो आइदर प्रीति और पूजा हैज ईटन दी आइसक्रीम। इनमें से एक ने आइसक्रीम खाई है। नाइदर माई फादर नो माई मदर आर गोइंग टू द पार्टी। अब अगेन द एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेटर जो है उसके साथ वर्ब अग्री करना चाहिए, और नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेना है। नियरेस्ट सब्जेक्ट माई मदर है, नियरेस्ट सब्जेक्ट दूसरा वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। आप ऐसा कर लीजिए, इस तरह से याद रख सकते हैं, नाइदर नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है, दैट्स अ नियरेस्ट सब्जेक्ट, वो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब का भी प्रयोग सिंगुलर करेंगे। सो हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग, जो एक्सक्लूसिव कोऑर्डिनेटर है, जैसे नाइदर नॉर, नीदर नॉर, या आइदर और, ईदर और, तो उसके साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी का ही हम वर्ब लेंगे। सो नाइदर माई फादर नो माई मदर इज गोइंग टू द पार्टी। दिस इज द करेक्ट यूसेज। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर इज इन द प्लेन। द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर आर इन द प्लेन, आर इन द प्लेन। एज वेल एज इज़ लाइक एंड, ये आपको याद रखना है, एज वेल एज बिल्कुल एंड की तरह होता है। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है प्लूरल है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। सो एज वेल एज एंड की तरह यूज़ हो रहा है। सो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर इन द प्लेन, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। सो द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स और एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर आर इन द प्लेन। तो ये करेक्ट यूसेज हो जाता है। मूविंग ऑन टू द क्विज फॉर द डे। यहाँ पर आज क्विज फॉर द डे को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पांच शब्द हैं और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अपोजी शब्द का अर्थ होता है किसी भी जगह का जो शिखर होता है उसके लिए हम अपोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। आप ये याद रख सकते हैं, किसी की चरम सीमा को, पिनिकल पे, हाइएस्ट पॉइंट जो होता है ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ समथिंग, पिनिकल हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है अपोजी का। यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड एक्मे, या फिर एपेक्स शब्द भी एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है अपोजी का। हम इसे जेनिथ, कैपस्टोन, क्रिशेंडो, क्रिशेंडो भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप याद रख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, एक तरह का चीज़ का जो शिखर होता है, हाई नून, सबमिट, उसके लिए हम अपोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जेनिथ इज़ द करेक्ट यूसेज। जेनिथ का भी अर्थ होता है शिखर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, अगर ये है तो हाईएस्ट पॉइंट इसको हम अपोजी कहेंगे। कॉवेनेंट, कॉवेनेंट शब्द का अर्थ होता है जब आप समझौता करते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी तरह का समझौता कर रहे हैं, अग्रीमेंट कर रहे हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं, कॉनकॉर्ड करते हैं, या अलायंस कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉवेनेंट शब्द का प्रयोग होगा। अग्रीमेंट के लिए, समझौते के लिए आप इसके लिए अलायंस शब्द भी याद रख सकते हैं एज अ सिनोनिम, ट्रीटी शब्द, पैक्ट शब्द भी याद रख सकते हैं जब भी आप समझौता कर रहे हैं, राइट। जैसे कि इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉवेनेंट, इट वॉज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स, इस तरह से। कैप्रिशियस शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी बदल जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कैप्रिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, एकदम से चेंज कर देते हैं। फिकल, फिकल दैट मीन्स के बहुत जल्दी बदलने वाले व्यक्ति को हम फिकल कहते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी याद रख सकते हैं कैप्रिशियस के, जैसे मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल एक शब्द है जिसको आप याद रख सकते हैं, या स्किटिश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैप्रिशियस। फिकल तो है ही है, अनप्रिडिक्टेबल कोई व्यक्ति अगर होता है तो हम उसके लिए कैप्रिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं।
प्लमेट शब्द का अर्थ होता है जब कोई चीज़ तेज़ी से नीचे गिर जाती है, जब आप फॉल डाउन कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ, तीव्र गति के साथ, एकदम एक तरह का ड्रॉप आ गया है, क्रैश हो गया है, आप स्किड कर रहे हैं, डिक्लाइन हो गया है, डिसेंट हो गया है। सो टू फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन इज प्लमेट। एसनाइन शब्द इसका अर्थ है एक मूर्ख व्यक्ति, एक भोंदू व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है उसके लिए हम एसनाइन शब्द का प्रयोग करते हैं, एक मूर्ख मूर्ख व्यक्ति के लिए, एक्सट्रीमली स्टूपिड। एम्बिसाइल शब्द आप एक याद रख सकते हैं एज अ सिनोनिम, एम्प्टी हेडेड हो गया। तो एक डोल्ट या फूलिश व्यक्ति के लिए हम एसनाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पर ये क्विज ऑफ द डे था। अगर आपको कोई भी डाउट है आज के 10 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स जो हमने डिस्कस किए और साथ ही साथ में आज का क्विज ऑफ द डे में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीचा रहेजा के नाम से जुड़कर उन डाउट्स को सॉर्ट करवा सकते हैं। आप उससे अपने डाउट्स को कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।